लास्ट डिपार्टमेंट जो आया है नोटिफिकेशन 5 जनवरी की डेट में, 6 जनवरी को जो नए नोटिफिकेशन आएंगे आपको बता दिया जाएगा। और कहा था आपसे वीडियो 25 मिनट से लेकर 30 मिनट का बनेगा और लगभग 24 मिनट 10 सेकंड का ये वीडियो बन चुका है। लास्ट डिपार्टमेंट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में एग्जामिनेशन कैटेगरी की लिस्ट आई है, उसको आप देख लेंगे, और एंट्रेंस क्वालिफाई वालों की भी लिस्ट आई है। इंटरव्यू के विषय में क्या नियमावली है वो इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी यही कहूंगा आप सभी बच्चों में ये कि 9 या 10 जनवरी तक अपना सिनॉप्सिस भेज दीजिएगा, और यदि गूगल फॉर्म का लिंक है या नहीं है उसके लिए डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। और ये 17 डिपार्टमेंट जो थे मैंने जिसकी जानकारी आपको दी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सोशोलॉजी साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइंस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फार्मास्यूटिकल साइंस और बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी मैथमेटिक्स मैनेजमेंट स्टडीज़ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और ज्योग्राफी इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। यदि कोई डिपार्टमेंट से छूट गया है जो मैंने कहा था, जिन डिपार्टमेंट का शेड्यूल नहीं आया है मैं वो भी आपको बता देता हूँ, उनका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। सिविल इंजीनियरिंग का शेड्यूल नहीं आया है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, उसके बाद है हिंदी, उसके बाद है लॉ, फिर है फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, उसके बाद है स्टैटिक्स योगा एंड एजुकेशन। इनका अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है इंटरव्यू के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर, जब आएगा तो आपको वीडियो दे दिया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ जिनका शेड्यूल नहीं आया है उन्होंने भी इस वीडियो को देखा होगा, और ये जिम्मेदारी मैं छोड़कर जा रहा हूँ आपके ऊपर। जिनके डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, और मेरा आदेश समझ लीजिए या ऑर्डर समझ लीजिए या प्रार्थना समझ लीजिए कि जिन बच्चों को आप जानते हैं जो मेरे चैनल पर नहीं है उनको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा। शेयर कैसे करना है ये आपको तय करना है, मेरी आपसे प्रार्थना और रिक्वेस्ट दोनों है ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक एक मिनट की देरी, क्योंकि सिनॉप्सिस बड़ा हेड का काम होता है याद रखिएगा, और सिनॉप्सिस ही टिका है अब आपका सिलेक्शन के लिए। सिनॉप्सिस में जो आपने लिखा है आप यदि उसको प्रेजेंट कर गए 5 से 7 मिनटों में तो आने वाले 5 से 7 साल आपके बेहतर हो सकते हैं, और उन 5 से 7 साल के बाद ही निर्भर करेंगे जीवन के आपके 70 साल। याद रखिएगा चक दे इंडिया मूवी में 70 मिनट थे और यहाँ आपके 70 साल हैं, आपने अपना समय दिया लगभग 27 मिनट के करीब, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी का ये 4th वीडियो आप देख रहे हैं, कोई और वीडियो बनने के लायक होगा तो ज़रूर बनेगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, परिवार का, प्रकृति का और संविधान का भी सम्मान करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो खड़े होंगे कहीं अकेले आप निष्पक्ष से, ना सरकार सुनेगी ना विपक्ष, मीडिया तो बचा नहीं जिंदा दुनिया में, ठीक है, और विश्वविद्यालय बंद हैं जो विपक्ष का रूप ले सकते थे, तो विश्वविद्यालय को तो हमने वैसे ही ताला लगा रखा है, खोलने की कोशिश ना सरकार करती है, ना जनता, ना विद्यार्थी, ना शोधार्थी, ना हमारे आपके माता पिता। जय हिंद।